हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दोबारा आ गया हूँ फिर आप लोगों के बीच में एक और वीडियो लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो डालना था, बीच में बहुत से गैप हो गए, नहीं डाल पाया फ्रेंड्स, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डाउन लेवल पंच, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने सिखाया था मिडिल लेवल पंच, आज मैं सिखाने वाला हूँ डाउन लेवल पंच। तो डाउन लेवल पंच हम जो करेंगे उसको सिकुदाचि स्टांस में करेंगे, उसके बाद बैक फ्रंट स्टांस में करेंगे, और इसका तोड़ भी आप लोगों को सिखाएंगे कि इसका तोड़ कैसे है, उस पंच को आपको रोकना कैसे है और उससे बचना कैसे है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं नया डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के बीच में ला सकूं और आप लोगों को सिखा सकूं। तो चले आइए हम अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठेंगे इस स्टांस में, इसको हॉर्स स्टांस बोलते हैं और जैपनीज में इसको सिकुदाचि स्टांस बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग स्लो में प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप पूरा इस पंच को नहीं सीख पाएंगे कि कैसे करना है और इससे बचना कैसे है। तो आइए हम देखते हैं इस पंच को। हम लेफ्ट हैंड आउट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और दोस्तों ये जो हैंड है यहाँ नीचे ज्यादा नहीं रखना है, कमर से थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। आप स्लो स्लो प्रैक्टिस करना है इसको और कमर से ऊपर रखना, ताकि पंच ज्यादा नीचे ना आइए, जब आप बैक लेते हैं तो ये नीचे ना आए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम स्लो प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, पहले लेफ्ट साइड जाएंगे उसके बाद फिर राइट साइड। तो लेफ्ट साइड कैसे करना है, वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से सिक्स स्टेप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह फिर हम राइट साइड भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, राइट 1 2 3 4 5 6। सो दोस्तों लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग राइट साइड करेंगे। आप ध्यान से देखें, राइट साइड करते टाइम हैंड चेंज करना है। अब हमने राइट हैंड आउट किया है, अब राइट साइड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अभी आप लोगों ने देखा, मैंने अभी स्लो में करके दिखाया लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको करके दिखाया। अभी मैं इसको स्पीड में करके दिखाऊंगा, स्पीड में कैसे करना है, आप ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो पहले लेफ्ट साइड करेंगे उसके बाद फिर राइट साइड करेंगे, सेम टेक्निक सेम पोजीशन रहेगा दोस्तों, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दोस्तों लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुका है, अब राइट साइड करेंगे, हैंड चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की हमने स्पीड में, इसी तरह आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले स्लो में करना है, उसके बाद स्पीड में करना है। तो जब तक स्लो में आपको अच्छी तरीके से ना आए, तब तक आप स्पीड में ना करें, ठीक है दोस्तों। पहले स्लो में प्रैक्टिस करें, उसके बाद स्पीड में करें। तो आइए हम अब आपको सिखाने वाले हैं फॉरवर्ड पोजिशन पे, सामने जाना है और पीछे आना है, बैक फॉरवर्ड स्टांस पे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस पोजिशन पे आएंगे, बैक फ्रंट स्टांस इसको बोलते हैं जैन विशुदाचि, इसको जापानीज में जैन विशुदाचि बोलते हैं, इंग्लिश में बैक फ्रंट स्टांस बोलते हैं दोस्तों। तो अब हम इस स्टांस से सीखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रेडी पोजीशन लेंगे, जो पंच है ऐसे डाउन लेवल पंच है, लेकिन उससे पहले हम इस पोजीशन पे हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डाउन लेवल पंच करने के लिए हमें डाउन लेवल पंच पहले हम ऐसे रखेंगे, उसके बाद इसको स्लो में फिर स्पीड में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पंच को कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5
बैक। 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों अभी मैंने स्लो में करके दिखाया, स्लो में कैसे करना है। इसी तरह स्लो में आपको फॉरवर्ड पोजीशन में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको स्पीड में करना है दोस्तों। तो आइए हम अभी इसको स्पीड में देखेंगे, स्पीड में कैसे करना है। देखिए ध्यान से स्पीड में कैसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5 बैक। 1, 2, 3, 4, 5 सो दोस्तों इसी तरह स्पीड में प्रैक्टिस करना है आपको। तो सबसे पहले मैं हर बार बताऊंगा कि आपको पहले स्लो में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही इसका स्पीड बढ़ाना है। जब तक स्लो में आपको परफेक्ट ना आ जाए कि हैंड मेरा यहाँ है और ये हैंड ये सही जा रहा है, तब तक आप स्पीड में प्रैक्टिस ना करें। नहीं तो आपका हैंड अप डाउन होगा, जहाँ पे आपको अटैक करना है वहाँ आप अटैक नहीं कर पाओगे, आपका हमेशा टारगेट मिस होता रहेगा। तो दोस्तों टारगेट मिस ना करें, उसको ध्यान से प्रैक्टिस करें और बिल्कुल परफेक्ट जगह में करें और पंच को स्ट्रॉन्ग अटैक करें। ठीक है दोस्तों, मैं वाला हूं इसका तोड़। मेरे सामने सुदीप सर है और ये मुझे सपोर्ट करेंगे अभी। तो देखिए ध्यान से कैसे करना है और इस पंच से बचना कैसे है। तो पहले आपको स्पीड स्लो में करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्पीड में करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। मत पे इसने अटैक किया तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैक जाना है। मैंने वो राइट लेग फॉरवर्ड किया, मैंने लेफ्ट लेग पीछे किया दोस्तों। इस तरीके से जैसे राइट लेग फॉरवर्ड करता है, लेफ्ट लेग मैंने पीछे किया, इस तरीके से आपको लेफ्ट लेग पीछे करना है और ये जो हैंड है आपका राइट हैंड जो है यहाँ से यहाँ लाना है, फिर धीरे धीरे इसको डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पहले ऐसे प्रैक्टिस करना है, इसको डाउन ब्लॉक करना है लाइक दिस। ये डाउन ब्लॉक हो गया, अब सेकंड अटैक करता है तो अच्छी तरह सेकंड अटैक भी आपको सेम ऐसे ही ब्लॉक करना है। ठीक है दोस्तों, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अब ध्यान से देखें, मैं अटैक करने वाला हूँ और सुजीत सर अभी ब्लॉक करेंगे, वो बचेंगे मेरे अटैकिंग से। 1, 2, 3, 4, 5 सो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कैसे करना है, मैंने स्लो में करके दिखाया, इस तरह स्लो में प्रैक्टिस करना है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर सीख रहा है तो उसके साथ करें, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर नहीं है कोई तो आप खुद अकेला प्रैक्टिस करें और उसको फील करें कि कोई आपके सामने है और आप उसको अटैक कर रहे हो और वो आपको अटैक कर रहे हैं तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फील करके आप प्रैक्टिस करें। अब हम उसको सीखेंगे स्पीड में कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसका स्पीड कैसे बढ़ाना है और स्पीड में कैसे ब्लॉक करना है ताकि आपका ब्लॉक वो जो अटैक करता है आप उसको ब्लॉक कर पाओ। ठीक है दोस्तों, भाई हम देखते हैं स्पीड में। 2, 3, 4, 5 तो दोस्तों भी देखा आपने इसी तरह ब्लॉक करना है। अभी मैं अटैक करूंगा और सुजीत सर ब्लॉक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 गुड। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे ताकि पूरा परफेक्ट आ जाए, तभी आप इसको यूज करें। ठीक है दोस्तों, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आप कराटे सीख रहे हैं ये कोई किसी को मारने के लिए नहीं है, ठीक है, अपने आप को फिट रखने के लिए है। और जब अपने ऊपर कोई परेशानी या विपत्ति आती है तब जाकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों, सेल्फ डिफेंस के रूप में। तो वीडियो यहीं तक है दोस्तों आज के लिए, और आगे भी नए नए वीडियो में लाता रहूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह प्यार देते रहें ताकि मैं आप लोगों के बीच में और नए नए वीडियो ला सकूं, नए नए टेक्निक्स ला सकूं और आप लोगों को सिखा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।